U-Box Tech. हेलो गाइस, मेरा नाम तुषार है, आप देखें यूबॉक्स टेक। आज मैं आपको बताऊं कि एडोब फोटोशॉप से नेगेटिव्स को डिजिटल इमेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी नेगेटिव इमेज है इस तरह की और आपको उसमें से डिजिटल इमेज को निकालना है, तो आप कोई भी दो क्लिप ले सकते हैं और उस क्लिप को जोन सा फोटो आपको इनमें से निकालना है उसे लगा दें। आपका फ़ोटो कवर नहीं होना चाहिए और आपको एक कोई फ़ोन चाहिए जिसके नीचे रख के हम उसका पिक लेंगे। हमें इसे स्क्रीन से थोड़ा ऊपर रखना होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर करने के लिए कैप का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप इसे बिल्कुल स्क्रीन पर टच करके करेंगे तो हमारे पिक्चर में पिक्सल्स आएंगे। पिक्सल को हटाने के लिए इसलिए थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। अब आप कोई भी फ़ोन लेके उसमें वाइट वॉलपेपर डाउनलोड कर लें और ब्राइटनेस को फुल कर दें। अब इसके बाद आप यहाँ पे अपना फ़ोटो रख दें। आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे फ़ोटो दिख रहा है। नेगेटिव थोड़ा सा स्क्रीन से ऊपर होना चाहिए, नहीं तो आपके इमेज में पिक्सल आ सकते हैं। अब इसके बाद आप किसी फ़ोन से 2x या 3x जूम करके अच्छे से फ़ोटो ले लें। आप इस तरह फ़ोटो ले सकते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ज़रा सा ऊपर होने की वजह से इसमें कोई भी पिक्सल नहीं आया। अब इस फ़ोटो को फोटोशॉप में इंपोर्ट कर लें और इसका एक्स्ट्रा पार्ट को क्रॉप कर दें। एक्स्ट्रा पार्ट को क्रॉप करने के बाद इस लेयर को अनलॉक कर दें और इसमें एक एडजस्टमेंट लेयर में जाके इन्वर्ट लेयर को ऐड कर दें। इसके बाद इमेज काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर में जाके कर्व्स लेयर को ऐड करना है और यहाँ पे ग्रे ड्रॉपर टूल को सेलेक्ट कर देना है। अब आपको ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करके इमेज में जो भी ग्रे एरिया हो उस पर क्लिक कर देना है। ग्रे एरिया ज़्यादातर आपको शेडोज पार्ट में मिल जाएगा, तो आप इमेज के शेडो वाले पार्ट में क्लिक कर दें। इससे इमेज के कलर काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। अब इसके बाद आप इमेज की कॉन्ट्रास्ट को घटा बढ़ा सकते हैं इस लाइन से। उसके लिए ऑल्ट की को होल्ड रखें और लेफ्ट वाले स्लाइडर को राइट करें। जब आपको हल्की सी डिटेल लिखनी शुरू हो जाए तो अपने स्लाइडर को रोक दें। यहाँ पर मैं डिटेल दिख रही है, तो इससे पहले पूरा वाइट रहना चाहिए, तब इसे रोक दें और राइट वाले स्लाइडर के साथ भी ऐसे करें। इससे इमेज के कॉन्ट्रास्ट काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और इसमें आपको मैन्युअली कलर एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। जैसे मुझे इस इमेज में थोड़ा रेड कलर ज़्यादा लग रहा है, तो इसमें रेड कलर में कम कर देता हूँ। और इसी तरह आप सभी कलर के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कर्व्स के साथ काम करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो आप इसमें कलर बैलेंस लेयर को भी ऐड कर सकते हैं। कलर बैलेंस ऐड करके आपको जैसे ग्रीन कलर ज़्यादा लग रहा है, तो आप उसे लेफ्ट कर दें, ग्रीन कलर कम हो जाएगा। और इस तरह रेड कलर को कम कर दें। थोड़ा बहुत कलर एडजस्टमेंट इस तरह करने के बाद सारी लेयर को सेलेक्ट कर लें। आप यहाँ पे कंट्रोल दबा रख के सभी लेयर्स पे क्लिक कर दें, करके फिर राइट क्लिक करके मर्ज लेयर कर दें। अब इन सबको एक लेयर बनाने के बाद इमेज में जाएं और यहाँ पे ऑटो कलर कर दें। ये ऑटोमेटिकली इमेज के कलर को काफ़ी अच्छा कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इमेज बन चुकी है। अगर इमेज में आपको इस तरह ग्रेन आ रहा है,
तो आप इमेज के हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकते हैं। इस इमेज के लिए मैं ब्लर टूल यूज़ कर रहा हूँ। तो इससे आप इमेज को और अच्छा बना सकते हैं। आप किसी भी इमेज के साथ ऐसा कर सकते हैं। इस प्रोसेस में आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बस आपको क्रॉप करके लेयर अनलॉक कर दें और फिर यहाँ पे इन्वर्ट कर दें, फिर कर्व्स लेयर में जाकर ग्रे वाले पार्ट को सेलेक्ट कर दें। ग्रे वाले पार्ट में जाकर आप यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट उसकी सही कर दें। और यहाँ पर कलर एडजस्टमेंट कर दें। अगर आप मैन्युअली कलर एडजस्टमेंट करना नहीं चाहते तो आप इसमें ऑटो कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ऑटो कलर इसका काफ़ी अच्छा कलर कर देता है, ज़्यादातर इमेज में ये अच्छा काम करता है। आप लेयर्स को मर्ज करके ऑटो कलर को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके किसी इमेज में इस तरह के वाइट स्पॉट्स आ रहे हैं तो आप इसे क्लोन स्टैम्प टूल से भी ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह आप किसी भी नेगेटिव को डिजिटल इमेज में फोटोशॉप से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।